नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये टॉपिक हम लोगों ने हर एक सब यूनिट में किया हुआ है, दोबारा से करते हैं। इसको इंटरम ऑफ कैपेसिटेंस करते हैं। देखिए, डिफाइन कीजिए इसको एक बार। इंटरम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having dielectric or medium to capacitance of parallel plate capacitor having air or free space between the plate. तो उसको कैसे लिखते हैं? मैंने लिखा हुआ है capacitance of capacitor having dielectric, having dielectric or medium divided by, क्या लिखेंगे? divided by capacitance of capacitor having free space in between the plates। इसको हम लिखने का तरीका ये है, capacitance of capacitor in medium by, इसको CM लिख सकते हैं, M for medium, capacitance of parallel plate capacitor having air In between the plates। अब देखो, ये टॉपिक को मैंने बहुत तरीके से किया हुआ है। पहले मैंने इसको इन टर्म ऑफ फोर्स किया था, याद हो तो आपको, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स, याद हो तो ये वैल्यू आई थी, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मिड एयर बाई फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। फिर मैंने इसको टॉपिक को किया था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्जेज इन एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अब हमने किया इसको इस टर्म में, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम बाई कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम्स। इसको एक टर्म में लिखा गया था, इट इज एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। इस टर्म से आंसर आया था यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, इसको लिखा गया था एप्साइलन आर। ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यही टॉपिक है, बार बार किया गया है इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लेते हैं वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, स्मॉल डी यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक के मेटेलिक स्लैब डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब हमारा दी मैंने, एक कंडक्टिंग स्लैब जिसकी मोटाई कितनी है, मैं टी मान लेता हूँ, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। तो क्या होगा, चार्ज बाई इंडक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा इस प्लेट्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इट इज इक्वल टू जीरो। कितनी वैल्यू होती है इसकी, जीरो। तो आपको बताना है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, हमें चेक करना है। डायग्राम बनाइएगा, लिखिए, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग having plate area A and
डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस मान लेते हैं। अब देखिए बिफोर हमने कोई स्लैब इसमें के अंदर कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस तक नहीं किया है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देन आगे लिखिए देन कैपेसिटेंस इज, देन कैपेसिटेंस इज, इसको सी से लिख सकते हैं, सी फॉर एयर, सी नॉट किसके लिए है, हवा के लिए, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, कितना फॉर्मूला बनता था हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हमने प्रूव किया हुआ है, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आगे लिखिए देन वी पुट ए कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर या इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, टी क्या है लिख लीजिए, टी क्या है, टी इज द थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब, टी इज द थिकनेस ऑफ ए स्लैब, इसके अंदर क्या होगा लिखिए आगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो, किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस निकालने का बेस्ट तरीका ये था सी निकालने का, सी फार्मूला था हमारे पास क्यू बाई वी, हम पहले क्या निकाल लेते हैं इसका, नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब दो जगह पे पोटेंशियल बन रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, एक तो जो हवा बची हुई है इनके बीच में, फ्री स्पेस जो बचा हुआ है उसमें, एक मीडियम में चेक कर लेते हैं कि कितना वैल्यू होगा इसका, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कितनी जगह पे हवा बची हुई है, उस हवा वाले एरिया में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट मान लेते हैं, ई नोट किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एयर, अगर आपको याद हो फार्मूला, वी का फार्मूला बना था, या ई वी इज इक्वल टू, मैं ई इंटू डी लिख सकता हूँ डिस्टेंस के साथ, ई इंटू डी, तो ई नोट किस डिस्टेंस के अंदर है सारा, यहाँ पे ये है डी माइनस टी, पूरा तो डी है, इसमें मैंने स्लैब डाली हुई है टी थिकनेस की, तो बच गया कौन, ये वाला एरिया कितना जगह बची हुई है, इट इज ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस, ये तो हो गया हवा वाला। अब मीडियम वाला चेक करते हैं, मीडियम वाले में देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट कितना फील्ड है, जीरो है, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो इंटू जीरो कहाँ, कितने डिस्टेंस पे है, इंटू टी डिस्टेंस पे, तो ये है नेट पोटेंशियल ऑफ, तो ई की वैल्यू कितनी हुई मेरी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं ई नॉट इज इक्वल टू, ये थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा का वैल्यू था इट इज क्यू बाई ए, कितना चार्ज कितने एरिया पे गया हुआ है, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू बना मेरा यहाँ से क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, ई नॉट को यहाँ पर रख देते हैं, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम पुट करते हैं इन सेकेंड इक्वेशंस, तो वैल्यू कितना होगा देखिए, तो v इज इक्वल टू, देखो भाई कितना होगा, ई नॉट का वैल्यू कितना है q बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये रहा, ठीक है, इंटू डी माइनस टी, इंटू डी माइनस टी, ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब, हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो क्या आंसर होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, कैपेसिटेंस का फार्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कितना है, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, क्यू से q कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा आंसर हुआ ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी,
सी इज इक्वल टू ए एप्साइलन नोट, यहाँ से हम डी कॉमन निकाल लें इस इक्वेशन से, तो क्या बचेगा, डी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा वन माइनस टी बाई डी, वन माइनस ए टी बाई डी, और ये वैल्यू किसका है, ये है कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हैविंग एयर, इसको मैंने निकाला हुआ था, सी इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू थी सी नोट बाई वन माइनस टी बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब, हैविंग कंडक्टिंग स्लैब। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सी और सी नोट में से बड़ा कौन है, यानी जो इस प्लेट को डाला नहीं गया था कंडक्टिंग स्लैब को, और डालने के बाद कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क हुआ होगा, टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, तो लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू डी मैक्सिमम कंडीशन के साथ, उस कंडीशन में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो चुका है, सी नॉट बाई जीरो, इट इज इन्फिनिटी, तो बोल सकता हूँ सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, सी इज ग्रेटर देन ए सी नॉट, मतलब क्या है, अगर आप किसी भी कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब को डालते हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, लिख लीजिएगा, व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो हमें कैसे सोल्व करना, देखिए तो वही है, हमारे पास एक कैपेसिटर होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लस और माइनस चार्ज प्लेट, सिंपल प्लेट हैं, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं डी है, प्लेट एरिया कितना मान लेते हैं ए है, ठीक है, एक बार लिखिएगा, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, देन कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी, कैपेसिटेंस इज एप्साइलन नोट ए बाई डी, इज द फर्स्ट इक्वेशन, कैपेसिटेंस कितनी होगी एप्साइलन नोट ए बाई डी, इतना कैपेसिटेंस होगा ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे लिखिए, वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ऑफ थिकनेस टी इन बिटवीन द प्लेट, इन बिटवीन द प्लेट, ठीक है, हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई है जिसकी मोटाई कितनी है टी की है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, इट इज ई, आपको याद होना चाहिए इट इज ई नॉट माइनस ई पी लिखा था मैंने इसको, क्योंकि ये नेट फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होता, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट माइनस ए ई पी, ये मीडियम की है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायग्राम बनाइएगा इसका, ये वाला, यहाँ पे डी क्या है, डी है, सॉरी टी क्या है, ये थिकनेस, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो थिकनेस है टी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो उसकी कैपेसिटेंस निकालना है, ये कैपेसिटेंस है जब इसको नहीं रखा गया था, सिर्फ इसके बीच में हवा थी, ये वैल्यू थी, अब इसको रखा गया तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो तरीका वही है, जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना हो आप पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब वही है पोटेंशियल इन एयर जो हवा है और पोटेंशियल ऑफ मीडियम्स, तो हवा का पोटेंशियल कितना है, हवा कहाँ पे है, E नॉट इंटू डी माइनस टी, E नॉट इंटू डी माइनस टी,
वी का फॉर्मूला क्या था याद है ना, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी कर सकते हैं, ई इंटू डी। तो जो ई नोट है वो कहाँ कहाँ पे है, ई नोट है वो है डी माइनस टी पे, पूरे पेड नहीं है ये, टी में कुछ और है, मीडियम है, तो बच गया कौन, ई नोट इंटू डी माइनस ए टी प्लस। मीडियम कहाँ कहाँ पे है अभी, मीडियम की वैल्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब की बार जीरो नहीं है, ई की वैल्यू है क्योंकि डायलैक्ट्रिक डाला गया है, ये कहाँ पे है, सिर्फ टी के अंदर है, ठीक है। इंटरनल फील्ड जो बचा हुआ है ई इज इक्वल टू सिर्फ कहाँ पे, मीडियम, मीडियम के अंदर ही है, तो ये मीडियम की मोटाई कितनी है टी। अब देखिए हमने एक टॉपिक किया था डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, याद हो आपको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या था, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ये था ई इन मीडियम, ई इन एयर बाई ई इन मीडियम्स। हमने फोर्स से करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से करवाया था, कैपेसिटेंस से कराया था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वाला फार्मूला यूज किया था, तो के का फार्मूला कितना था ई नॉट बाई ई। तो मेरे को अगर ई निकालना हो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, तो मैं ई का वैल्यू यहाँ पर देता हूँ क्योंकि ये एयर का है ये मीडियम का, हम दोनों को एयर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना होगा वैल्यू, e नोट d माइनस टी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, e का वैल्यू है e नोट बाई के इंटू टी, ई नोट बाई के इंटू टी। अब इस पूरी इक्वेशन से e नोट कॉमन आ रहा है, निकालिए यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं e नोट को, e नोट कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा d माइनस टी प्लस टी वाई के प्लस टी वाई के। और आपको पता होना चाहिए ई नोट का वैल्यू कितना था, ई नोट इन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट, इट इज सिग्मा बाई एप्साइलन नोट, सिग्मा बाई एप्साइलन नोट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा था कितना चार्ज कितने एरिया पे आया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नोट, लिख सकते हैं चार्ज बटे ए एप्साइलन नोट, चार्ज बाई ए एप्साइलन नोट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए ई नोट का, v इज इक्वल टू क्यू ए एप्साइलन नोट, यहाँ पे हुआ d माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये तो हो गया नेट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग डायलैक्ट्रिक स्लैब, नेट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग डायलैक्ट्रिक स्लैब। हमें निकालना है नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है Q बाई वी, C का फार्मूला क्या होता है Q बाई वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी क्या है, Q बाई ए एप्साइलन नॉट इंटू d माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू काट देते हैं, तो आंसर क्या होगा मेरा, देखिए c इज इक्वल टू ए एप्साइलन नोट डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के, d माइनस टी प्लस टी बाई के। इस नीचे वाली पूरी इक्वेशन से हम d कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे आंसर होगा, c इज इक्वल टू ए एप्साइलन नोट, यहाँ से मैंने डी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ बचा वन प्लस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, टी बाई डी के। और ये वैल्यू क्या है पूरी, ये वैल्यू ये रही, इट इज सी नोट, तो मेरा सी नोट का फॉर्मूला, इस सी का फार्मूला क्या हुआ, देखिए मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी नोट डिवाइड बाई वन प्लस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। अब क्वेश्चन वही उठता है कि सी बड़ा कि सी नोट बड़ा, अगर आप एक डायलैक्ट्रिक स्लैब डालते हो ऑब्वियस है, देखिए पुट कीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसकी, टी इज इक्वल टू डी के बराबर हो सकता है, तो वन प्लस वन टी इक्वल टू डी वन प्लस वन, तो के ऊपर गुना में जाके ऊपर इसके साथ गुना हो जाएगा,
देखिए क्वेश्चन वही है, सी या बड़ा है कि सी नोट बड़ा, कैसे निकालेंगे हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू को डी के बराबर कर सकते हैं। अगर ये किया तो 1 + 1 + 1 बाई के सॉल्व करोगे तो के मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर जाके, और सी की वैल्यू पहले से क्या है, बड़ी है, तो सी इज ग्रेटर देन सी नोट भी, सी इज ग्रेटर देन ए सी नोट। अब देखिए कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई हैं, दोनों कंडीशंस के अंदर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब ज़्यादा इंक्रीज किस में हुई है, ज़्यादा इंक्रीज हुई है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले के अंदर, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कैपेसिटर मौजूद हैं बाजार में या हमारे घरों में यूज़ करते हैं, उनके प्लेट्स के बीच के अंदर हम क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं टू इंक्रीज द, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है।